आज तक झूठ बोला है, आज सच बोलो। साईं, आपका नाम लेते ही मेरे गले का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया साईं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं। पैसों के लालच में इन मासूम गांव वालों को धोखा दिया मैंने, जो मुझे अपना समझते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मत मांगो सदाशिव, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें माफ करने का हक तो सिर्फ इन गांव वालों को है जिन्हें तुमने ठगा है। तुम्हारी बीवी को है जिससे तुमने झूठ बोला है। मैं आप सबका गुनहगार। ये सच है कि आपको जमीन के पैसे कम मिले और आप सब मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसे, और अब मैं ही आपको इस मुसीबत से निकालूंगा। मुझे बस 2 दिन का समय दे दीजिए, अब सबको आपके बकाया पैसे मिल जाएंगे। साईं के कारण इस बार हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब दोबारा भरोसा नहीं होता है। कैसे मान ले तुम्हारी बात? तो मेरी बात मानिए, मुझे सदाशिव पर पूरा भरोसा है। पश्चाताप की अग्नि में जल रहा व्यक्ति जो कहता है वो करता भी है। सदाशिव को अपनी गलती का एहसास है, ये आपको आपके पैसे जरूर देगा। साईं, आप कह रहे हैं तो इन्हें 2 दिन देते हैं। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन। मैं तुमसे माफी मांगने के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अब मैं ऐसा पति बनकर दिखाऊंगा जिस पर तुम गर्व कर सकोगी। आपने पैसे दिलवाने का वादा तो कर दिया है, लेकिन पूरा कैसे करेंगे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.